लेक्चर आज के लेसन में हमें क्या डिस्कस करना है वी हैव टू डिस्कस महारत्न एंड नवरत्न कंपनीज इन इंडिया सो so, uh, क्या होती है महारत्न नवरत्न कंपनीज और उसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस कहाँ पर हैं उनके जो हेड्स हैं यानी कि चेयरमैन हों या चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हों वो कौन है ये सब हमें कवर करना है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा सो so, एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाएगा चार ऑप्शन देख करके इनमें से कौन सी नहीं है महारत्न या नवरत्न कंपनी या कौन सी है सो यू मस्ट नो दिस्ट कितनी महारत्न या नवरत्न कंपनीज हैं इनके हेड ऑफिस कहाँ पर हैं इनके हेड्स कौन कौन से हैं ठीक है सो so, इस तरह से सीधा सीधा सवाल बनेगा तो स्टार्ट करते हैं थोड़े से बेसिक बिल्ड करने से के होती क्या है महारत्नया नवरत्न कंपनीज तो दे आर बेसिकली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे ही अपन बोलते हैं यानी कि ये सरकारी कंपनी है ठीक है सेंट्रल सेंट्रल uh, है यानी कि किसी भी स्टेट के अंडर में नहीं आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टेट्यूटरी बॉडी है ये राइट right? एंड सी पी एस ईके और जब मैं बोलती हूँ ये सरकारी कंपनी इसका मतलब ये है कि इसमें 51 परसेंट या उससे ज़्यादा शेयर जो हैं वो किसके हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी के या किसी पी के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के पी के हो सकते हैं राइट तो सीधे सीधे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी कंपनी का शेयर होगा फिफ्टी लेकिन ये जो फिफ्टी या उससे ज़्यादा शेयर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगा डायरेक्टली यहां तक की बात समझ में आ गई ना नोडल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी डीपीई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल सी इज जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो किसके अंडर में आती हैं नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है इनका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस नाम से समझ में आ रहा है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है तो जितना भी पॉलिसी रिलेटेड काम होगा पॉलिसी फॉर्मुलेशन चेंजेस दिस एंड दैट वो सब ये डिपार्टमेंट देखता है ओके ना गवर्नमेंट ने सी को यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कैटेगराइज कर रखा है इन टू थ्री डिफरेंट फॉर्म्स सबसे बेसिक सबसे नीचे टीयर पे आता है मिनी रत्ना कंपनीज मिनी रत्ना कंपनीज में भी दो कैटेगरी है नवरत्न कंपनी एंड सबसे ऊपर आती है महारत्ना कंपनीज राइट सो देर आर टोटल इलेवन महारत्ना कंपनीज इन इंडिया एज ऑन डेट एंड देर आर टोटल थर्टीन नवरत्न कंपनीज फोर्टीन नहीं है डू नॉट गेट कंफ्यूज कई जगह आपको फोर्टीन देखने को मिलेगा दिस इज रॉन्ग ओके सो देर आर थर्टीन नवरत्न कंपनीज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि नवरत्न कंपनी थी वो महारत्ना में कन्वर्ट कर दी गई है और इसके साथ में 13 नवरत्न कंपनीज हो गई ओके यहां okay, तक की बात समझ में आ गई चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले महारत्ना कंपनीज पे अच्छा महारत्न कंपनी होती क्या है क्राइटेरिया क्या होते हैं ये यूजुअली एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलता है बट यू नेवर नो राइट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर क्वेश्चन बेस्ड ऑन जस्ट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल यू नो बैकग्राउंड कि अभी तक का किस तरह का क्वेश्चन बना है थोड़ा सा ट्रेल हम ले सकते हैं लेकिन किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा बेस बिल्डिंग हम करेंगे एंड देन ऑफकोर्स विल बी मूविंग ओवर टू द टेबल सो महारत्न कंपनीज लाइक आई टोल्ड यू कंपनी महारत्न कंपनी है इंडिया में वो पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए बिकॉज पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी महारत्न है कौन सी नहीं है ठीक है चलिए क्राइटेरिया क्या है किसी भी कंपनी के महारत्न स्टेटस मिलने का तो सबसे पहला वो नवरत्न कंपनी होनी चाहिए अब आप पूछोगे नवरत्न कंपनी क्या है तो वो बाद में देखेंगे तो पहला चीज़ है नवरत्न स्टेटस होना चाहिए उसके पास वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए अनलिस्टेड कंपनी नहीं बन सकती है ठीक है एवरेज एनुअल टर्न जो है यानी जो बिजनेस जनरेट करती है एवरेज एनुअल टर्न ओवर ट्वेंटी का होना चाहिए लास्ट तीन सालों में ओके सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोर का एनुअल टर्न ओवर है तो आप इस क्राइटेरिया में आते हो एवरेज एनुअल नेटवर्थ नेटवर्थ ओके सो ये होनी चाहिए पंद्रह हजार करोड़ की अगेन लास्ट थ्री ईयर्स के अंदर सो so, दो क्राइटेरिया हो गए टर्न ओवर पच्चीस हजार करोड़ नेटवर्थ आपकी एसेट लाइबिलिटीज हटा दीजिए नेटवर्थ आपकी कितने की सो पंद्रह हजार करोड़ की ओके देन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका पांच हजार करोड़ का लास्ट तीन साल में होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपकी ग्लोबल प्रेजेंस होनी चाहिए इंटरनेशनल प्रेजेंस होनी चाहिए सिर्फ इंडिया तक ही या किसी स्टेट तक ऑफ कोर्स आप लिमिटेड नहीं होने चाहिए हो. तो फिर आप ये सारे क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हो ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज तो आप एक महारत्ना कंपनी का दर्जा ले सकते हैं ठीक है चलिए अब हम आते हैं कौन कौन सी महारत्ना कंपनीज हैं इंडिया में सो so, इलेवन अब इनको ना थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्वेशन रखोगे थोड़ा दिमाग और ऑब्जर्वेशन फोकस रखोगे तो फटाफट याद हो जाएंगे इसमें कुछ भी नहीं है महारत्न सबसे हाईएस्ट टीयर पे आती हैं भेल सेल गेल ठीक है भेल सेल गेल अच्छा इसमें सवाल ऐसे भी बन जाता है कि भेल का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे क्योंकि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है या इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ये कन्फ्यूजन होता है बच्चों को तो इलेक्ट्रिकल आता है तो नेम का जो एक्सपेंडेड वर्जन है उस पर भी ध्यान दीजिएगा एब्रीविएटेड का एक्सपेंशन क्या है इट right. सो so, सवाल बहुत बेसिक तरीके से कहीं बीपीसीएल का फुल फॉर्म पूछ लिया सो so, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपको पता होना चाहिए सो so, एक बार इन चीजों पे थोड़ा सा यू हैव टू कीप फोकस ऑन ठीक है तो अभी पहले हम ग्यारह नाम याद कर लेते हैं भेल सेल गेल भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लिमिटेड सबके आगे आएगा ओ अब देखो ये तो हो गए भेल सेल गेल नाम से समझ में आ गए अब ऑयल से रिलेटेड देख लीजिए ओ एन जी सी एंड आईओ सी एल ऑयल अच्छा अब यहीं पे मैं आपको बता दूं ओ आई एल ऑयल इंडिया लिमिटेड ये एक और ऑयल नेम से कंपनी है ये है नवरत्ना कंपनी दिस इज अ नवरत्ना कंपनी बाकी ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये दोनों महारत्ना है तो बस ये ऑयल का ध्यान रख लीजिए ऑयल इज अ नवरत्ना कंपनी ओ एन जी सी आई सी एल आर महारत्ना कंपनी देन अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम की तो बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों महारत्ना कंपनीज हैं ठीक है बीपीसीएल एचपीसीएल फिर हम आते हैं कोल पे तो कोल इंडिया लिमिटेड इज ऑल्सो अ महारत्ना कंपनी थर्मल की बात करें एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन महारत्ना है पावर ग्रिड पावर ग्रिड जो जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के अंदर बहुत बड़ा आ, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रही है वहां की कंपनी के साथ मिलकर के सो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्ना कंपनी है एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है पावर ग्रिड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज करंट न्यूज में बनी हुई थी ओके okay? और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज रिसेंटली नवरत्ना से महारत्ना स्टेटस के ऊपर प्रमोट हुई है सो so, इनके ऊपर सवाल बनने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं राइट right, तो आपको इनका हेड ऑफिस इनके हेड्स यानी जो आ, चीफ आ, पोजिशन होल्ड किया हुआ पर्सन है उनके नाम इनके एक्सपैंडेड वर्जन सब कुछ दिमाग में रखने ओके सो okay, so, भेल सेल गेल ऑयल से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ओ आई एल हटा दीजिए ऑयल इंडिया लिमिटेड उसके अलावा जो दोनों कंपनीज हैं ओ एन जी सी सी एल वो महारत्ना कंपनीज हैं फिर बीपीसीएल एचपीसीएल पेट्रोलियम की भारत और हिंदुस्तान दोनों महारत्ना कंपनी है कोल थर्मल देन पावर कॉरपोरेशन पावर ग्रिड ये सारी की सारी इधर है और पी आ जाता है ठीक है so, सो ये एक लिस्ट आपके दिमाग में कंपाइल हो जाती है इसके अलावा कोई ट्रिक टेक्निक की जरूरत नहीं है अब हम आते हैं इस लिस्ट के ऊपर जो हमें दिमाग में सेटल करनी है क्या क्या हमको पता होना चाहिए ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडिंग नहीं आएगी कंपनी हेडिंग आएगी यहां पे कंपनी ओके सो so, कंपनी उसका हेड ऑफिस कहां है लोकेशन या हेड ऑफिस समझ लीजिए ठीक है और उनके हेड यानी कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो जो भी पोजीशन हाईएस्ट है उस पर कौन बैठे हुए हैं वी न्यूड वी नीड टू रिमेंबर दिस तो सबसे पहले बात करते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लाइक आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज सो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे जिसके हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर हैं उनको हम याद नहीं करेंगे जिसके दिल्ली में नहीं है उनको हमें दिमाग में रखना है सो पावर ग्रिड का गुड़गांव हरियाणा के अंदर है ऑफिस और के श्रीकांत के श्रीकांत इज दी एम ऑफ पावर ग्रिड राइट तो ये दिमाग में हमें बिठाना है पावर ग्रिड ग्रिड गुड़गांव जी जी का एक फैमिली आप बना सकते हैं पावर ग्रिड इज इन गुड़गांव और के श्रीकांत के श्रीकांत को सीधे सीधे दिमाग में डालेंगे देन हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया कोल कोलकाता कोल कोलकाता सो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है हेड ऑफिस एंड द हेड इज प्रमोद अग्रवाल अब देखो प्रमोद अग्रवाल जी के बारे में क्वेश्चन बनने के चांसेस कम हैं शॉर्ट शॉर्ट तो हम नहीं कह सकते बनेगा नहीं बनेगा बट चांसेज आर वेरी ब्लीक वाई बिकॉज कोल इंडिया लिमिटेड एस सच न्यूज़ में नहीं रही प्रमोद अग्रवाल जी अगर इनमें से कोई भी अपॉइंटमेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट होगा तो आपसे पूछा जा सकता है पर वो करंट अफेयर के एंगल से आपको तैयार करना है तो वो आपने अगर चैनल से तैयार किया होगा आपकी तैयारी ऑलरेडी हो गई होगी कोई अगर पुराना अपॉइंटमेंट है और न्यूज़ में भी कुछ वो कंपनी नहीं बन रही है तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि एग्जाम में सवाल उठ के आएगा ओके okay? अब कोई भी कंपनी न्यूज में है तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है राइट right? तो ये थोड़ा सा टैक्टिक्स दिमाग में रखेंगे तैयारी थोड़ी और इजी और स्ट्रांग कर सकेंगे सो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड फिर बीपीसीएल की बात करते हैं भारत पेट्रोलियम अब देखो पेट्रोलियम की बात है तो महाराष्ट्र मुंबई मुंबई इज अ गुड पॉइंट ना वहां पर ड्रिलिंग होती है सो so, मुंबई महाराष्ट्र बीपीसीएल एंड एचपीसीएल दोनों के हेड ऑफिस वहीं पे हैं बीपीसीएल एचपीसीएल बी पी सी एल इज अरुण कुमार सिंह एंड एच पी सी एल इज मुकेश कुमार सुराना मुकेश कुमार सुराना देन कमिंग ओवर टू स्टील अथॉरिटी सेल गेल भेल एंड ओ एन जी सी चारों नई दिल्ली के अंदर हैं ठीक है साहब देन सेल अब यहां आ जाता है इम्पोर्टेंट सोमा मंडल सोमा मंडल पहली फीमेल चेयरमैन ऑफ सेल और 2021 के अंदर जनवरी में ये अपॉइंट हुई थी अच्छा करंट अफेयर में शायद हमने कहीं ये बोला था कि अलका मित्तल जो है वो ऑफकोर्स ओ एन की तो पहली फीमेल uh, सीएमडी बनी ही हैं लेकिन सारी महारत्न कंपनीज में भी पहली सीएमडी बनी है दैट वाज नॉट करेक्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर कंफ्यूजन था शी वाज दी फर्स्ट अदर वुमन यू नो न्यूज़पेपर्स हैड प्रिंटेड इट लाइक दैट शी वाज फर्स्ट अदर वुमन टू बी द सीएमडी ऑफ एनी महारत्न कंपनी मतलब की कि सोमा मंडल के बाद अगर कोई महारत्न कंपनी की सीएमडी बनी तो वो अलका मित्तल बनी सो so, ये ओ एन जीसी की पहली सीएमडी है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से करंट अफेयर से उठ करके आ सकता है और उसके अलावा लेकिन सोमा मंडल उससे पहले सीएमडी बन चुकी है महारत्न कंपनी में ठीक है ये नहीं पूछा जाएगा कि महारत्न कंपनीज में सबसे पहली सीएमडी कौन है नो बडीज गो दैट राइट ना तो सेल की जो चेयरमैन है वो आप याद रखेंगे सोमा मंडल तो सेल 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 को आप बोट का सेल होता है ना है ना सो so, बोट मंडे मंडे बहुत मंडे ब्लूज को बहुत पॉपुलराइज किया हुआ है मंडे ब्लूज होते हैं मंडे को फेस करना बहुत डिफिकल्ट है यू हैव टू सेल थ्रू मंडे सो so, सोम सोमवार का सोम मंडे का मन सोमा मंडल सेल याद रखिएगा और फीमेल है बहुत कम फीमेल्स पीएसयूज में हेड सबसे हाईएस्ट पोजिशन तक पहुंचती है इसलिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर हम आते हैं गेल पे नई दिल्ली है श्री मनोज जैन सीएमडी एम है भेल की हम बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की नई दिल्ली ननल नलिन सिंघल सिंगल जी अगर आपको हिंट चाहिए थोड़ा सा तो भेल से भेलपुरी ले सकते हैं आप सिंगल लोग भेलपुरी खा रहे हैं घर में कौन खाना बनाए सो हैव भेल ओके ओ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड अलका मित्तल वेरी इंपॉर्टेंट लाइक आई टोल्ड यू ऑल राइट देन फाइनल स्लाइड फॉर महारत्ना कंपनीज ये सब चेंज होगा है ना चलिए एन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन नई दिल्ली नई दिल्ली नई दिल्ली आईओ सी एल बी पी एफ सी बी ना थर्मल पावर कॉरपोरेशन के गुरदीप सिंह सीएमडी -E, गुरदीप सिंह देन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीकांत माधव वैद्य श्रीकांत माधव वैद्य एंड देन पी एफ सी इंपॉर्टेंट हो जाती है पी एफ सी नई दिल्ली है रविंद्र सिंह ढिलो रविंद्र सिंह ढिल्लों तो देखो हमारी पी एफ सी ने कितनी ढील दी है कि हम पावर कहां तक पहुंचा रहे हैं इंडिया से हम अफ्रीका तक पहुंचा रहे हैं तो ढील से ढीलों आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे आप ओके okay? देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महारत्ना स्टेटस दिया है पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे पावर फाइन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अक्टूबर 2021 में और ये इलेवेंथ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन जाती है जिसको ये स्टेटस मिला है ओके okay? सो so, महारत्ना कंपनीज का ये पूरा हमारा एक निचोड़ हो गया जहां से अगर सवाल बनेगा तो यही सबसे बनेगा इसके बाहर से नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी चलिए अब हम आते हैं नवरत्न कंपनीज पे कितनी नवरत्न कंपनी से दिस नंबर शुड बी इन योर हेड कंपनी क्राइटेरिया क्या है कब मिलता है तो कोई भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो कि मिनी रत्ना वन मिनी रत्ना फर्स्ट कैटेगरी में हो शेड्यूल ए और उसने एक्सीलेंट या वेरी गुड एमओयू रेटिंग ली हो लास्ट तीन uh, सालों में इन सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर ओके okay? नहीं पूछा जाएगा क्राइटेरिया सिर्फ थोड़ा सा बेस बिल्डिंग के लिए आपको बता रही हूँ कि नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोडक्शन देन पी बी डी आई टी दैट इज टू कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पी बी डी आई टी इज प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पी बी डी आई टी टू टर्न ओवर अर्निंग पर शेयर इंटरसेक्टोरल परफॉर्मेंस ये सारे क्राइटेरियाज पे अगर सिक्सटी या अबव की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स रेटिंग ली है और वेरी गुड या एक्सलेंट स्कोर बनता है लास्ट तीन सालों में पाँच में से तो आपको और अगर आप एक मिनी रत्ना वन कंपनी कैटेगरी हो तो आप नवरत्ना में एस्केलेट किए जा सकते हो ठीक है अब इसके अलावा अगर आप आ, देखो तो यहां से अपनी इंपॉर्टेंट कहानी चालू होती है कितनी नवरत्न कंपनीज हैं और कौन सी हैं तेरह हैं कौन कौन सी हैं तो अब देखेंगे बेल ये इंपॉर्टेंट रखना ध्यान भेल इज अ अहारत्ना कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज अ नवरत्न कंपनी ठीक है ये छोटा है ना बेल और भेल बड़ा है तो भेल महारत्ना कंपनी होगा यही कंफ्यूजिंग छोटी छोटी बातें एग्जाम में आ जाती हैं कई बार तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियर्स इंडिया उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शिपिंग कारपोरेशन कंटेनर कॉरपोरेशन इनको कैसे जोड़ सकते हैं एरोनॉटिक्स कहीं ना कहीं प्लेन से रिलेटेड आप इसको जोड़ करके याद रखोगे एरोप्लेन शिप और शिप में कंटेनर एरोप्लेन और शिप्स में जो कंटेनर्स शिप में जो कंटेनर्स जा रहे हैं तो इन सबको जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, एरोनॉटिक्स, शिपिंग, कंटेनर्स ये सब अभी तक नवरत्न कंपनी में जा रहा है ओके okay, उसके बाद, MTNL, महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नवियली लिग्नाइट नेवेली नॉट नवियली नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय इस्पात निगम अब इन सबको अगर आप देखोगे एम अलग से आप ध्यान रखेंगे फोन फोन ठीक है एम फाइन अब एल्यूमिनियम लिगनाइट मिनरल्स हैं ये सारे और इस्पात स्टील स्टील सो एल्यूमिनियम लिग सारे मिनरल्स राइट सो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एंड इस्पात राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये सब कहीं ना कहीं मिनरल्स एंड जो खनिज वगैरह होते हैं alum, खनिज तो नहीं है जो आप बनाते हैं मटीरियल्स इनसे रिलेटेड है तो इनको आप कैटेगराइज कर लीजिए ये भी सब नवरत्न कंपनीज हैं देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑयल इंडिया लिमिटेड सो बिल्डिंग बन रही है उसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिफिकेशन uh, करना है सो इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल एरियाज में नेशनल बिल्डिंग एंड ऑयल ये सब नवरत्न कंपनीज हैं क्या क्या हमने देख लिया हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एरोनॉटिक्स पिक्चर देख लो थोड़ी थोड़ी सी शिप कंटेनर्स uh, ओके okay. उसके बाद हम आ जाते हैं कौन सी कैटेगरी के ऊपर यहाँ पे एम टी एन एल अलग से याद कर लिया देन एल्यूमिनियम लिगनाइट देन मिनरल्स देन इस्पात ओके ये सारे हमारे हो गए मिनरल से रिलेटेड फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑयल ये सारी की सारी तेरह कंपनीस हो जाती हैं इसके अंदर सो so, बस थोड़ा सा कैटेगोरिकली दिमाग में सेट कर लोगे तो याद रहेगा ओके okay? चलिए और right, तो अगेन इस टेबल में भी हमें यही करना है जो नवरत्न कंपनी है उसके हेड ऑफिस और हेड्स के नेम्स दिमाग में सेट करने हैं चलिए सबसे पहले आते हैं एमटीएनएल महानगर टेलीफोन नगर लिमिटेड कहां पर है ये इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर ये फर्स्ट चालों आपको दिल्ली के अंदर दिख रहे हैं एनबीसी दैट इज नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन आर सी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन कॉनकौर

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन आप कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करोगे तो गुप्त रूप से कर सकते हो नहीं ना बिल्डिंग बनाओगे तो सबको दिखेगी लेकिन फिर भी हेडकॉन है गुप्ता जी पी के गुप्ता ठीक है so सो बस कुछ नहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिमाग में थोड़ा सा दिखा लो और गुप्ता जी दिखा लो अगर पिक्टोरियल नहीं करोगे टेक्निक तब तो टेक्निक मत लगाना आई आई वेरी यू नो अप फ्रंट से दिस तब तो आप सीधे सीधे दो तीन बार बोल करके दिमाग में सेटल कर लीजिए वो बेटर है लेकिन अगर आप पिक्टोग्राफिक कर सकते हो चीजों को दिमाग के अंदर थोड़ा सा क्रिएटिव विजुलाइजेशन से तो ये टेक्निक बहुत वंडरफुल काम करती है एग्जाम में चार ऑप्शन मिलते ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है आप गुप्त नहीं रख पा रहे हो तो so जैसे ही पी गुप्ता मिलेंगे आप आंसर तक पहुंचोगे चलिए फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन तो इसमें संजय संजय मल्होत्रा अब देखिए महाभारत अगर आपने देखी हो पुरानी जाति थी तो उसमें धृतराष्ट्र के यू नो एक व्यक्ति थे धृतराष्ट्र राष्ट्र के आ, क्या बोलेंगे हम उनके राज्य में उनके महल में या उनके, उनके, उनके मिनिस्टर्स में एक मिनिस्टर थे संजय संजय उनको बताते थे कि भाई ये सब हो रहा है महाराज युद्ध में वहीं खड़े खड़े वो फोरकास्ट करते थे राइट तो जो धृतराष्ट्र है वो अंधे हैं पर उनकी रोशनी उनकी इलेक्ट्रिसिटी है संजय है तो इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें सेटल कर रखी हैं इफ आई कैन रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स विद स्मॉल लिटिल हिंडस इवन यू कैन डू दैट और मैं जो हिंट बता रही हूँ वो काम नहीं आया तो यू कैन यूज योर ओन हिंट्स ऑलसो बाय नाउ ओके कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सो रामा कौन वी कल्याण रामा वी कल्याण रामा छोटा छोटा नाम भी याद रहेगा एक एक भी या सरनेम या नेम तो भी काम हो जाएगा सो so, देखिए हम जब कंटेनर्स निकालते हैं तो हम बोलते हैं अरे कल्याण हो हमारा रास्ते में कंटेनर्स नहीं गिर जाए हे राम भगवान कल्याण करना समथिंग लाइक दैट हो जाएगा सीन दिखा लीजिए कंटेनर जा रहे हैं आप राम भगवान को याद कर रहे हो डन और राइट मूविंग ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड ऑयल 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 इंडिया लिमिटेड एन जी सी आईओ सी एल महारत्ना कंपनी ऑयल नवरत्न कंपनी ठीक है, है, असम के अंदर हेड है ऑफिस हैजन असम, सो आसमान आसमान एकदम ऐसा लग रहा है चिकना चिकना तेल या तेल बरस रहा है आसमान से ऐसा कुछ देख लीजिए मेघालय मत कर दीजिएगा बादल मत देखिएगा आसमान में मेघालय कंफ्यूज कर देंगे तो ऑयल को बरसा दीजिए आसमान से सो हो जाएगा आसाम याद श्री श्री सुशील चंद्र मिश्रा सुशील चंद्र मिश्रा इज दी सी एम डी ऑफ ऑयल नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी नालको नेशनल नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी नालको फुल कहां पर है दिस इज भुवनेश्वर उड़ीसा तो देखिए अगर कोई भवन भवन यानी कोई घर भवन अल्यूमिनियम का बना होगा तो आराम से उड़ सकता है ना सो भवन अल्यूमिनियम का बना है उड़ गया है कैसे उड़ गया पत्ते की तरह पात्रा पात्रा श्रीधर पात्रा तो भवन है एल्यूमिनियम का जल्दी से देखो उड़ गया पत्ते की तरह बस पात्रा याद हो गया फिर हम आते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस सी आई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई तो शिप है कोस्ट पे से ही जाएगा तो चलिए जब हमने आ, कोस्ट है ही और बिल्कुल साउथ में जाने की जरूरत नहीं मुंबई के आसपास से निकाल दीजिए शिपिंग कॉरपोरेशन देख लीजिए मुंबई महाराष्ट्र याद कर लीजिए वैसे तो बहुत सारे पोर्ट्स हैं पर महाराष्ट्र मुंबई हमें याद रखना है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस यहां पे है मिसेस एच के जोशी मिसेस एच के जोशी सीएमडी हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ना नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एन ये हैदराबाद हैदराबाद तेलंगाना और जो मिनरल्स होते हैं वो दबे रहते हैं ऐसे ऊपर थोड़ी पड़े रहते हैं आपको खोद खुद के निकालने पड़ते हैं दबे रहते हैं तो देव सुमित देव नेशनल मिनरल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन हैदराबाद तेलंगाना तो मिनरल्स को निकालते निकालते आपका तेल निकल जाता है यू नो पसीना पसीना हो जाते हो तेल निकलने पसीना पसीना हो जाते हो मेहनत लगती है बहुत तो ऐसे कर लीजिए क्योंकि वो दबे रहते हैं सो so, मिनरल्स निकालना बहुत तेल निकालने के बराबर है बहुत मेहनत लगती है क्योंकि वो दबे रहते हैं तो ये तीनों इससे याद हो जाएंगे फिर हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड राइट right? आंसर इज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्टील जो होती है इस्पात जो होता है उसको आप कितना भी पीट लो राइट right? या कितना भी भट्ट भट्ट करके मार लो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती स्टील इज स्ट्रांग सो इससे आप याद रखेंगे इस पात को कितना भी पीट लो विशाखापट्टनम कितना भी पटको है ना कितना भी पटको कितना भी भट्ट भट्ट करके पटको वो खराब नहीं होगी अतुल भट्ट इज दी सीएमडी फिर बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बैंगलोर कर्नाटका ओके सो आईटी स्पेस साइंस इन सब में स्ट्रांग है ही कर्नाटका बैंगलोर uh, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐड कर लीजिए नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं नई चूड़ी आई है नई बैंगल आई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रॉनिकली कुछ उसमें डिवाइस लगा हुआ है ठीक है तो उसमें बेल वेल बच सकती है तो बेल 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 भी कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बैंगल इलेक्ट्रॉनिक बैंगल एंड मिसेस आनंदी रामलिंगम ने ये पहनी हुई है आनंदी रामलिंगम सीएमडी हैं एडिशनल चार्ज है इनके पास में सीएमडी का ठीक है सो आनंदी रामलिंगम आनंदी एक सीरियल में आती थी पहले बालिका वधु आई डोंट नो अब डों नहीं आता आई डोंट नो इट्स बीन बिन या सो उसमें एक कैरेक्टर हुआ था आनंदी जो बहुत पॉपुलर हुआ था इफ एट ऑल यू पीपल नो तो आप ये कर सकते हो आनंदी ने इलेक्ट्रॉनिक बैंडल पहनी हुई है काम हो जाना चाहिए आपका फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगेन बैंगलोर so, आप देख सकते हैं एरोप्लेन देख सकते हैं बैंगलोर के ऊपर से फ्लाइट टेक ओवर करता हुआ एंड आर माधवन आर माधवन इज अ पॉपुलर एक्टर ऑल्सो साउथ इंडिया के right? राइट है तेरे दिल में मूवी के अंदर थे तो उनको आप देख सकते हो उनकी फ्लाइट बैंगलोर के ऊपर से जा रही है देन नवेली लिगनाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड दिस इज इन तमिलनाडु बिल्कुल नीचे तमिलनाडु एंड श्री राकेश कुमार सो so, राकेश कुमार एक और पर्सन का नेम था जो सबसे पहले इंडिया से स्पेस में गए थे सो so, राकेश कुमार जी से आप चाहें तो उन्होंने इग्नाइट किया था लोगों में स्पेस जाने की ललक ऐसे करके आप चाहें तो राकेश कुमार याद रख सकते हैं तमिलनाडु तो आप मैप पे पिक्चराइज कर लेंगे ओके देन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली में ही है ये एंड वर्तिका शुक्ला इज द सी एम डी राइट सो दीज वर ऑल दी इंपॉर्टेंट नवरत्ना कंपनीज वॉट यू नीड टू डू आई लाइक आई टोल्ड यू आपको ये दिमाग में रखना है सवाल बनेगा कैसे और उस तरह से आप प्रिपेयर कीजिए एब्रीविएशन्स जो एक्सपैंडड वर्जन है वो तैयार करेंगे आप सारी लिस्ट आप याद करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंपनीज न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में आपको हेड ऑफिस एंड उनके हेड्स हेड हेडपर्सन दोनों पता होने चाहिए ढंग से ओके और उसके अलावा जो है वो भी आपके पास लिस्ट है थोड़े थोड़े हिंट मैंने बता दिए हैं आप तैयारी रखेंगे अब जस्ट इन केस यू वांट टू नो कि मैम मिनी रत्ना कंपनी क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज मिनी रत्ना कंपनी ही नवरत्न बनती है और नवरत्न ही महारत्ना जाती है सो so, मिनी रत्ना कंपनी कैटेगरी वन है जिसने कि लास्ट तीन साल में कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रही हो प्री टैक्स प्रॉफिट कम से कम तीस करोड़ का या इससे ज़्यादा रहा हो और पॉजिटिव नेटवर्थ रही हो ये कहलाती है मिनी रत्ना कंपनी

वोट वर्क आन दिस यू डू इसको एक समझाने की जरूरत ही नहीं है आप क्लियर करना चाहते एग्जाम अच्छी बातें पर होगा नहीं जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे नॉट जस्ट एग्जाम लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जाम बट राइट नाउर फोकसिंग ऑन दट ओनली दैट इज योर टारगेट सो दट इज आई एम सेट मेहनत करनी पड़ेगी यूल हैव टू बर्न द मिड नाइट ऑयल यूल हैव टू गिव अपन योर अर्ली मॉर्निंग स्लीप आपकी तबियत खराब हो चाहे आपको नींद आ रही हो या यू डो नॉट फील लाइक स्टार्टिंग या आपको प्रेशराइज फील हो रहा वट एवर बी इट बट अगर ड्रीम देखा है कुछ एक चीज़ क्रैक करनी है कुछ एक चीज़ अचीव करनी है सो विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट राइट एंड द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीटर देन एनीथिंग एल्स जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर बाय